बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ऑफ साइंस की तरफ से वेबसाइट की गई लॉन्च। इस यूनिवर्सिटी अधीन पड़े देश विदेश में बैठे विद्यार्थी अब इस साइट से अपने डॉक्यूमेंट कर सकेंगे प्राप्त। पिछले साल भारत सरकार ने एक उपराला किया जिदा यह लक्ष्य था कि जिन्हें भी हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स है उन्होंने जो डिग्री या डिप्लोमे है वो असी एक नैशनल अकैडमिक डिपॉजिटरी लोड कर देंगे ताकि जिथे भी साडा स्टूडेंट विदेश किसी भी देश है वो अपने उत्थों डाकूमेंट दे कैन विड्रा फ्रॉम दिस डिपॉजिटरी। इस उपराले के कंटीन्यूएशन असी अज ये अपने वैबसाइट पर जरा कि विच इज कनैक्टड विद द नैशनल अकैडमी डिपॉजिटरी उसके नाल जोड़िया है और असी लगभग 5000 बच्चे जिन्हें MBBS BDS दी डिग्रियां वो लोड कर दती हैं और मोर दैन 11000 नर्सिस दी डिग्रियां असी लोड कर दती हैं और इहदे करके साडे जिहड़े स्टूडेंट्स जिन्होंने इत्थों MBBS BDS नर्सिंग पास की देश के किसी हिस्से विदेश के किसी हिस्से नैशनल अकैडमी डिपॉजिटरी चो पासवर्ड लेके अपना डाकूमेंट ले सकते वो डाकूमेंट जिहड़े है वो वेरीफाइड होणगे और उन्हां दी एक्सेप्टेंस सारे दुनिया च मन्नी जाए। ये मेरे ख्याल से नॉर्थ साड़ी पहली यूनिवर्सिटी है ये नेशनल अकैडमी डिपॉजिटरी अपने सारे डॉक्यूमेंट पाते। देश विदेश टीवी के लिए फरीदकोट से गगनदीप सिंह की विशेष रिपोर्ट। नवियां अते ताज़ियां खबरां देखन लई साडे YouTube चैनल देश विदेश टीवी नू लाइक शेयर सब्सक्राइब किया जाए।